सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे हमारे कंप्यूटर के कुछ कीज़ जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। हमें बार बार माउस पे जाके उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि हमें कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इस तरह से कुछ कीज़ होती हैं। ऐसे हमने कल क्या था, नोट पैड। नोट पैड में भी फाइल भी और एडिट तो हमने कर लिया, लेकिन उसमें भी क्या होती है, कुछ कीज यूज होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है। सबसे पहले नोट पैड की क्या कर लेते हैं, फाइल। फाइल के लिए हम किसकी का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस एफ का इस्तेमाल करेंगे। अल्ट प्लस एफ किसके लिए होती है, फाइल के लिए यूज होती है। इस तरह हम एडिट करते हैं, एडिट अल्ट प्लस ई। अल्ट प्लस ई जो है वो किसके लिए होती है, एडिट के लिए होती है। अगर हमें डायरेक्ट फाइल चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस ई। अगर हमें डायरेक्ट एडिट करना है अपने नोट पैड में तो हम क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे, अल्ट प्लस आई। अगर इसी तरह अगर हमें फॉर्मेट का यूज करना है, फॉर्मेट के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस आई। अल्ट प्लस आई किसके लिए होती है, फॉर्मेट के लिए, अल्ट प्लस आई। अगर हमें व्यू को देखना चाहते हैं अगर हम, तो हम किसकी का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस वी। अल्ट प्लस वी किसके लिए होती है, व्यू के लिए यूज होती है। आपने देखा होगा कि हमें अगर जनरली कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम किसका यूज करते हैं, F1 की का यूज करते हैं। F1 किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। एक और कह सकते हैं कि अल्ट प्लस एच, ये भी किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है, अल्ट प्लस एच। अल्ट की का यूज करने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट की का यूज करना है, उसके बाद हमारी कमांड जो है सेट हो जाएगी। फाइल के लिए अल्ट प्लस एफ, एडिट के लिए अल्ट प्लस ई, फॉर्मेट के लिए अल्ट प्लस आई, और व्यू के लिए हम करेंगे अल्ट प्लस वी। और अगर हमें हेल्प पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस एच या फिर F1 को प्रेस कर देंगे। ठीक है, कुछ और कीज की बात करें, कंट्रोल प्लस एफ ये किसके लिए होती है, वो तो थी अल्ट के साथ, और ये हमें किसके साथ करने, कंट्रोल प्लस एफ। एफ द्वारा पे हमें क्या मिल जाएगा, फाइंड कर लेंगे हम जो भी हमें फाइंड करना है, अल्ट प्लस एफ। कल हमने देखा था ना कि फॉर्मेट में कि फाइंड आउट करना है हमें कुछ, क्योंकि व्यू जो है क्या करता है, हमें फाइंड करने के लिए कहता है कि हमें कुछ वर्ड हमारा गुम हो गया, वो फाइंड करना है, और फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फाइंड के लिए फटाफट वाली कमांड कौन सी है, जिससे हमें जल्दी हमारा फाइंड हो जाए, कंट्रोल प्लस एफ को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा। इसी तरह रिप्लेस अगर हमें करना है कोई टेक्स्ट को, तो हम किसकी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच जो है वो किसके लिए होती है, रिप्लेस के लिए जो यूज होती है। अगर हमें गो टू करना है, गो टू जाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी। और ये कमांड अगर हमें याद हो तो हमारा काम जो है आसानी से हो जाता है, अल्ट प्लस एफ फाइल, अल्ट प्लस वी व्यू, और अल्ट प्लस आई फॉर्मेट के लिए, और F1 किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। अगर इसी तरह हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ को प्रेस कर देंगे। रिप्लेस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कोई वर्ड हमें रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच करेंगे, उस वर्ड को लिखेंगे और वो रिप्लेस कर देंगे। गो टू करने के लिए कंट्रोल प्लस जी। हमने कल देखा था कि हम फाइंड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हम किसकी का इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, उसकी को हम बोलते हैं F3। अगर हमने F3 को क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसी तरह हमें क्या करना है, डेट एंड टाइम सेट करना है, तो हम किसको क्लिक करेंगे, F5 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, F जो है ये फंक्शन की बोलते हैं इनको, लेकिन नेक्स्ट फाइंड करने के लिए या डेट एंड टाइम सेट करने के लिए इनका कई बार इस्तेमाल किया जाता है, F3 एंड F5। ठीक है, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, और गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी, एंड टाइम सेट करना तो हम क्या करेंगे, F5 को क्लिक कर देंगे। ये थी हमारी कुछ शॉर्टकट कीज। ठीक है, अगर कुछ और बात करें, अगर हमें न्यू पे जाना है, कंट्रोल प्लस एन, तो हमारा क्या जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ, ये क्या होता है ओपन करने के लिए, जो होता है कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए, शॉर्ट कीज है ये जो हमें याद होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस एन न्यू ओपन। अगर हमें फाइल को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस में एस, ये क्या करेगा हमारी फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पी को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस पी इज इक्वल टू प्रिंट करने के लिए जो है। नेक्स्ट अगर हमें क्या करना है, अंडू करना है टेक्स्ट के साथ, अंडू जो भी हमारी फाइल ओपन है उस हमें अंडू पे जाना है, अंडू के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ये क्या होता है अंडू। और हमें एग्जिट करना है हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस एफ फोर, इस की को प्रेस कर देंगे और हमारा एग्जिट कमांड प्रॉपर वे में कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। ये थी शॉर्टकट की जो नोट पैड में वर्ड पैड में या वर्ड में यूज की जा सकती हैं, अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ, ठीक है। हमें ओपन करना है डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल प्लस ओ, सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, एंड कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए, इसी तरह अल्ट प्लस एफ फोर एग्जिट करने के लिए। अगर हमें रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, कट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स को क्लिक करेंगे, लिखेंगे कंट्रोल प्लस एक्स का कमांड यूज करने से हमें क्या मिलेगा, कट जो भी हम काटना चाहते हैं सेलेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, ये क्या है पेस्ट के लिए कमांड यूज होती है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, क्लियर सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लियर सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑन करने के बाद भी हम डिलीट कमांड यूज कर लेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा, या फिर हमें डिलीट करने के लिए हम डेल को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेक्शन को और डेल को प्रेस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अगर हमें पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस ए, ये क्या करता है सेलेक्ट ऑल कमांड देता है, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस ए पे क्लिक करते हैं। इसी तरह अगर हमें साइज क्या करना है, पेज का साइज नॉर्मल करना है तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज अप करने के बाद क्या हो जाएगा नॉर्मल साइज हो जाएगा हमारा नॉर्मल साइज, ठीक है। अगर हमें साइज कैसा चाहिए, लार्ज चाहिए, लार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन पर क्लिक करेंगे, पेज डाउन, इससे क्या हो जाएगा साइज लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें नोट पैड में कलर बॉक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एल किसके लिए होती है कलर की यूज होती है कलर, ठीक है। पेंट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे अगेन एंड अगेन कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस पेज अप किसके लिए होता है नॉर्मल साइज के लिए और कंट्रोल प्लस पेज डाउन लार्ज साइज के लिए। एक बात और है कंट्रोल प्लस टी, ये होता है टूल के लिए, टूल बॉक्स, बार बार रिपीट होएंगे और बार बार रिपीट होने से हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये इतनी की नहीं है, बहुत सारी कीज है लेकिन नोट पैड के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर हमें किसी फाइल को रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए हम किसको क्लिक करेंगे, एफ टू पर क्लिक करेंगे, एफ टू बटन को प्रेस किया तो वो क्या करेगा रीनेम की कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, और डेट एंड साइड टाइम को सेट करने के लिए एफ फाइव क्लिक करेंगे, इसी तरह एफ थ्री नेक्स्ट फाइंड करने के लिए, नेक्स्ट फाइंड करना है तो हम एफ थ्री पर क्लिक करेंगे, रीनेम करना है तो हम एफ टू पर क्लिक करेंगे। रीनेम के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, एफ टू, सेव एज करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका एफ ट्वेल्व, एफ ट्वेल्व क्या करता है सेव करता है अगर फंक्शन की का इस्तेमाल करें, वरना हम किसका इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प के लिए एफ वन को प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करेंगे, अगर बिट मैप को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, व्यू बिट मैप, व्यू बिट मैप क्या करते हैं
बिट मैप के लिए होता है। बिट मैप को व्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई समझ गया। ये सारे की जो है अल्फाबेट के साथ प्रेस करेंगे तभी हमारी कमांड जो है प्रॉपर वे में काम कर पाएगी। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए, और एग्जिट करने के लिए एफ अल्ट प्लस एफ फोर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कंट्रोल प्लस जी मोड टू के लिए, फाइंड नेक्स्ट करना है तो हम एफ3 पर क्लिक करेंगे, और डेट एंड टाइम के लिए हम F5 पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इतनी फाइल को फटाफट रिज्यूम करना है तो हम किसको क्लिक करेंगे, F12 पर क्लिक, F2 पर क्लिक करेंगे, सेव करने के लिए फंक्शन की कौन सी इस्तेमाल करेंगे, F12, रिनेम करने के लिए F2, और कंट्रोल प्लस ए सभी टेक्स्ट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस टी ये क्या है, टूल बॉक्स के लिए, और कलर के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल प्लस एन। अगर हमें साइज अगर नॉर्मल चाहिए अपने टेक्स्ट का तो हम क्या करेंगे, क्लोज कंट्रोल प्लस पेज अप पर क्लिक करेंगे, और इसी तरह अगर हमें लार्ज साइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये थी कुछ हमारी शॉर्टकट की, ठीक है। आप इनको अच्छे से रिविजन में डिवाइस करना एंड कंप्यूटर में इस्तेमाल करके देखना।